नमस्कार। बिहार में सियासी हलचल तेज है और इसी बीच बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। 40 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में बिहार में एमएलसी चुनाव रिजल्ट सामने आए हैं और इसके जो रिजल्ट रहे हैं बेहद ही चौंकाने वाले रिजल्ट रहे हैं। तो बिहार में क्या बीजेपी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? अंदरूनी तौर पर खबर है कि बीजेपी यहां पर कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कुछ सीटें उनके सहयोगियों को दे सकती है। तो ऐसे में बिहार में जो बीजेपी का गठबंधन टूटा है, इससे पहले 2019 में 39 सीटों पर बीजेपी प्लस नीतीश कुमार ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार नीतीश आरजेडी के साथ चले गए हैं। और प्रशांत किशोर की रणनीति किसके पक्ष में काम करेगी और प्रशांत किशोर बिहार में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो उनके उतरने से कितना किसको फायदा होगा, किसे कितना नुकसान हो सकता है, इसकी एक झलक भी देखने को मिली है। बिहार एमएलसी चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव परिणाम जो है सामने आ चुके हैं, जिसमें जेडीयू बीजेपी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एक सीट प्रशांत किशोर टीम के आफाक को चली गई है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और जिस कारण से अब यह गठबंधन टूटा है, उसके बाद एक महागठबंधन है, तो बीजेपी किसके सहारे यहाँ पर चुनावी मैदान में होगी, बीजेपी 40 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो बिहार में महागठबंधन को 40 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, क्योंकि बड़ा दावा किया जा रहा है नीतीश कुमार से कि वो अब पीएम की रेस में बिहार से सबसे आगे चल रहे हैं। तो इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्या आंकड़ा बन रहा है, जबकि बीजेपी अलग हो चुकी है और बीजेपी अपने दम पर बिहार में कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि 2019 में बीजेपी प्लस नीतीश कुमार ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, एक सीट ही यहां पर आरजेडी महागठबंधन को गई थी, लेकिन इस बार काफी हलचल हो चुकी है। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ आ चुके हैं, जबकि बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में होगी, तो उनके लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। देखिए, अगर बात की जाए सर्वे के हिसाब से, एनडीए जो टूटा है, नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन जो टूटा है, उस टूटने से किसे फायदा हो सकता है? देखिए, तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि जिस कार के बड़े आंकड़े हैं, एक ही परिवार से दो बड़े दिग्गज नेता आते हैं, तो एक परिवार एक साथ आता है, तो फिर इसका सबसे ज्यादा फायदा जो कि यहां पर माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को होगा 48% लोगों का मानना है, जबकि नीतीश कुमार को 20% और बीजेपी को फायदा होगा 17%, क्योंकि सीट बंटवारा एक बीजेपी के लिए यह एक सवाल था। अब बीजेपी अपने दम पर अपने फैसले के हिसाब से यहाँ किसको कितनी सीटें देगी, क्या सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, यह भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन जिस कारण से नीतीश कुमार ने दावा किया था कि अगर उन्हें यहां पर विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए घोषित किया जाता है, तो फिर बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाती है, एक बड़ा दावा किया था, लेकिन किसके दावे में कितना दम है? आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, कहीं ना कहीं जिस कारण से एमसीडी चुनाव में यह बड़ा झटका दिया था बीजेपी को, जबकि दिल्ली के बाद पंजाब में भी वो सरकार बनाने में सफल रहे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही कि वो एक यहां सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं 2024 के लिए, तो इसकी झलक क्या दिखाई देती है, इस पर बिहार को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। जिस कार से विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए, तो इस समय क्या कुछ आंकड़ा बना, देखिए एक तरफ महागठबंधन है जिसमें 7 बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीएम, हम पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, तो इस तरह से 7 पार्टियों का एक महागठबंधन है, और उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर आरजेडी के पास 79 जो है विधायक हैं, जेडीयू के पास 45 है, कांग्रेस के पास 19, इस तरह से 164 विधायकों का समर्थन इस समय जो है यहाँ पर जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन महागठबंधन है उसके पास है, जबकि अगर बात की जाए विपक्ष में, तो यहाँ बीजेपी 77 सीटें और एक सीट अन्य से आती है, एआईएम पार्टी एक है, बीजेपी में जो है 4 एआईएम पार्टी के जो है विधायक वो शामिल हो चुके हैं, इस कारण से एआईएम पार्टी के 5 थे, लेकिन उनके पास एक बचा, एक सीट यहाँ खाली है। इस तरह से अगर बात की जाए तो विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति उसमें यहाँ पर महागठबंधन काफी आगे दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर इस समय देखा जाए तो कौन आगे दिखाई देता है, तेजस्वी यादव को 40% लोगों का मानना है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि वर्तमान स्थिति में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी नेता को 25% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए, क्या नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए, इस पर देखिए हाँ कहने वाले 58% लोग हैं और नहीं कहने वाले 28, और पता नहीं ऐसे 14% लोग आते हैं जो आंकड़े बन रहे हैं, जबकि इनमें से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कितने प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को 39, प्रधानमंत्री मोदी जी का आंकड़ा अभी बिहार में एक बड़ा आंकड़ा है, राहुल गांधी को 13%, कोई नहीं ऐसे 5% ही आते हैं, यानी बिहार का जो आंकड़ा है उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी आगे दिखाई देते हैं।
अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 में समर्थन किसे मिल सकता है, देखिए महागठबंधन को 57%, एनडीए को यहां पर 38 और अन्य के पक्ष में 5% जा सकता है जो आंकड़ा बन रहा है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो बिहार में किसे कितने वोट शेयर जा सकते हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए को 54% वोट शेयर था, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब का आंकड़ा है। यार अगर बात किया 2022 में जब नीतीश कुमार ने यहाँ इस्तीफा दिया था, बीजेपी से अलग हो चुकी थे, उसके बाद ये आंकड़ा यहाँ पर गिर रहा है, बीजेपी का 41% वोट शेयर पर आ रहा है, करीब 13% वोट शेयर का यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है जो आंकड़ा बन रहा है। अगर बिहार में यहाँ अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 2019 में 31% वोट शेयर था, लेकिन 2022 में जब नीतीश कुमार यहाँ महागठबंधन में शामिल हुए तब आंकड़ा बढ़ रहा है 40%, 15% वोट शेयर का इजाफा महागठबंधन के खाते में होता नजर आ रहा है जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर सीटों की बात की जाए, बिहार में जो सी वोटर का सर्वे कुछ दिन पहले का था उसमें देखिए जब एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार यहां पर जो है महागठबंधन में शामिल हुए थे तब का आंकड़ा है। देखिए एनडीए को लोकसभा चुनाव 2019 में 39 सीटें मिली थी, लेकिन 2022 अगस्त के सर्वे के हिसाब से यहां पर अगर बात की जाए जब नीतीश कुमार यहां एनडीए से अलग हो चुकी थी तब आंकड़ा बन रहा है कि बीजेपी 14 सीट यानी -25 सीटों का नुकसान होने की संभावना लगाई गई है, जबकि महागठबंधन की बात की जाए तो एक सीट से बढ़कर वो करीब 25 सीटों का फायदा प्राप्त कर सकते हैं जो अनुमान सी वोटर ने लगाया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार का पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी जी को यहां पर 44% लोग माने कि बिहार में पसंदीदा प्रधानमंत्री मोदी जी को ही यहां पर देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को 22% और राहुल गांधी को 18% लोग ही मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो महागठबंधन को लोकसभा के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है 40 सीटों का, उसमें महागठबंधन को 19 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी को 4 सीटें जाने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, जिसमें जेडीयू आरजेडी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो जो एनडीए का यहाँ पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसमें 17 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जिस कार का आंकड़ा बन रहा है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है जिस कार से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या बीजेपी इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी जो नुकसान हुआ था यहाँ पर उद्धव ठाकरे अलग हो चुके थे उसकी भरपाई बीजेपी कर चुकी है, तो ऐसे में अभी भी समय है, तो बिहार की जो कम सीटें हो रही हैं उसका कैसे भरपाई करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों बिहार की 40 लोकसभा सीटों का कुछ महत्वपूर्ण समीकरण और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं, आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 40 सीटों में से कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में मिल सकती है, क्या भाजपा जो उनको कम सीटें दिखाई जा रही हैं उसकी भरपाई भाजपा कैसे कर पाएगी बिहार में, 40 सीटों में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है, आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में बिहार में किस प्रकार की हलचल होगी ये भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उनके चुनावी मैदान में उतरने से क्या जेडीयू आरजेडी को नुकसान होगा, क्या बीजेपी के साथ वो जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए, मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।